Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarod Anirakaranam Astva Nirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanishat Sudharmaha Te mai santu, te mai santu. Om Shanti Shanti. Pratibodha viditam matam. Amratatvam hi vindate. Atmana vindate vidyam Vidyaya vindate mratam Pratibodha viditam bodham bodham pratividitam bodha shabdena bodhaha pratya uchyante Sarve pratyaya vishayi bhavanti yasya sa atma sarva bodhana pratibuddhyate sarva pratyaya darshi chita shakti swarupa matra pratyaihi evam pratyesu avishishta tatha lakshate na anya dwaram antaratmano vijnanaya atah pratyagatmataya viditam brahma yada tada tanmatam tat samyak darshatam ityarthah सर्व प्रत्यय दर्शित्वे उपजन अपजा उपजन अपाय वर्जित दृग स्वरूपता नित्यत्वम विशुद्ध स्वरूपत्वम आत्मत्वम निर्विशेषता एकत्वम च सर्व भूतेषु सिद्धं भवेत् लक्षण भेद अभावाद व्योमनि इव घट गिरि गुहादिषु विदित अविदिताभ्याम अन्यत् ब्रह्मा Yiti agam vakyartha evam parishuddha evam upasangharato bhavati drishtehi drishta shrutehi shrutaha mantehi manta vijnatehi vijnata iti cha shrutyantaram. Yada punaha bodhakriya karta iti bodhakriya lakshadena tatkartaram vijanati iti bodhalakshadena viditam pratibodha viditam iti vyakhyane. यथा यो वृक्ष शाखा चालयति स वायु इति तद्वद् तथा बोधक्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम् न बोधस्वरूपम् एव बोधस्तु जायते विनश्यति च यदा बोधो जायते तदा बोधक्रिया सविशेषः यदा बोधो नश्यति तदा नष्ट बोधो द्रव्यमात्रम् निर्विशेषः तत्र एवं सति विक्रियात्मकः सावयवो अनित्यो अशुद्धः इत्यादि दोषः न परिहर्तुं शक्यते यदपि काणादानां आत्मनः संयोगजो बोध आत्मनि समवैति अत आत्मनि बोधृत्वम् न तु विक्रियात्मकम् आत्मः द्रव्यमात्रः तु भवति घट इव राग समवायि अस्मिन् पक्षे अपि अचेतनं द्रव्यमात्रं ब्रह्म इति विज्ञानमात्रं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यादि श्रुतयोः बाधिताः स्युः आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेश अभावात् नित्यं संयुक्तत्वाच्च मनसा स्मृतिः उत्पत्तिः नियम अनुपपत्ति अपरिहार्या स्यात् संसर्ग धर्मित्वं च आत्मना श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धं कल्पितं स्यात् असंगो हि न सज्जति असक्तं सर्वभृत् इति हि श्रुति स्मृति न्यायश्च गुणवत् गुणवतां सज्जते संसृज्यते न अतुल्य जातीयम् अतः निर्गुणं निर्विशेषं सर्वविलक्षणं केनचित् अपि अतुल्य जातीयेन संसृज्यते इति तद् न्याय विरुद्धं भवेत् तस्मात् नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति आत्मा ब्रह्म इति अयम् अर्थः सर्वबोध बोधृत्वे आत्मनः सिद्ध्यति न अन्यथा
तस्मात् प्रतिबोध विदितं मतं इति यथा व्याख्यातः एव अर्थो अस्माभिः। सो जो कल जहां से सुनाया था उसी से आगे चलूं, पीछे तो नहीं जाना आपको। लेकिन दूसरे के प्रत्यय प्रकाशित होते हैं ये तो हमारी यदृश्यमता अल्पम अभी आपने पढ़ा। और कोई कहे कि नहीं है सर्व प्रत्यय दर्शित्वे निर्विशेषता सिद्धं भवेत्। सीधी बात, अगर वो सर्व प्रत्यय का दर्शी है तो निर्विशेषता तो उसमें फिर सिद्ध ही है। किसी भी प्रकार के विशेष का उसमें धर्म जोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, चूंकि निर्विशेष है अब इसलिए वो सभी द्रव्यों में अलग अलग है। ये अलग करने का जो कारक है उसका नाम होता है विशेष। एक आदमी दूसरे से अलग है क्योंकि दोनों के अपने विशेषण हैं। चाहे वो रूप का विशेषण अलग हो, स्वभाव का विशेषण अलग हो, बुद्धि का विशेषण अलग हो, बिना विशेष के भेद का संपादन नहीं हो सकता। ये देखो भाष्यकार की कैसी पंक्ति है कि एक तरफ वो एक चीज सिद्ध करते हैं और उसी से फिर अगले निर्णय पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले क्या सिद्ध किया, सर्व प्रत्यय दर्शी। सर्व प्रत्यय दर्शी चिच्छक्ति स्वरूप मात्र, ये बात सिद्ध हुई। फिर देखो एक पर एक सिद्ध होता चला गया। हम निर्विशेषता सिद्ध होते ही अगली बात क्या कही, एकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। समस्त भूतों में उसको अलग करने वाली कोई चीज दिखाई नहीं देती। इसलिए समस्त भूतों में वो एक ही है। अब ये एक साधक के लिए कठिन क्षेत्र है। और कई बार ऐसा मन होता है, कल्पना होने लग जाती है कि समस्त भूतों में फिर जो मेरे प्रत्ययों का दृष्टा है वही सभी के अंतःकरणों का दृष्टा है। अब ये भी एक समस्या है, आपके प्रत्यय प्रकाशित होते हैं और उसका दृष्टा अपरोक्ष उपलब्धि स्वरूप चेतन है, ठीक हो गया। लेकिन दूसरे के प्रत्यय प्रकाशित होते हैं ये तो हमारी क्या है, कल्पना है, अनुमान कह लो अधिक से अधिक। अनुमान भी कैसा, कौन सा अनुमान करेंगे हैं? नहीं नहीं,
उपमान प्रमाण है ये, स्वयं की उपमा से दूसरे के प्रत्ययों के बारे में सोचते हैं। प्रमाण मीमांसा में प्रमाणों की परिभाषा तो सुनी, अब उसको प्रयोग उसका कहाँ कहाँ होता है उसको भी देखते रहना चाहिए। अनुमान में ही तीन भेद हो जाते हैं, उपमा के द्वारा अनुमान, कार्य के द्वारा कारण का अनुमान, और फिर सामान्यतो दृष्ट अनुमान जो तीसरा है। अच्छा, एनीवे तो अब इसमें हेतु क्या है, सभी भूतों में दृष्टा एक है, इस बात को आप कैसे बोलते हो? इस बात को बोलने के पीछे कारण क्या है? बोले भाई, निर्विशेषता ही कारण है। दृष्टा में अन्योन्या भाव, माने अगर हम अनेक दृष्टा एक बार मान लें विचार करने के लिए, तो सभी दृष्टाओं का परस्पर अन्योन्या भाव मानना चाहिए। दृष्टाओं का अन्योन्या भाव क्यों मानते हो, माने उसका हेतु क्या है? शरीरों का तो अन्योन्या भाव हम मानते हैं, दृष्टाओं का अन्योन्या भाव कैसे माने? आखिर शरीर में विशेषता है, उन विशेषताओं के कारण एक शरीर का दूसरे शरीर में अन्योन्या भाव है। अच्छा, शरीर में देश परिच्छेद है, तो इस देश में स्थित जो शरीर है वो दूसरे देश में स्थित शरीर से भिन्न है, इसमें विशेषता क्या हो गई? रूप रंग की नहीं, इसमें विशेषता देश की हो गई। जिस देश विशेष में यह शरीर है उसी देश विशेष में दूसरा शरीर नहीं है। इसी तरह से भूतकाल का व्यक्ति वर्तमान काल के व्यक्ति से भिन्न है, यहां काल विशेष हो गया, ठीक है। रूप विशेष, गुण विशेष, स्वभाव विशेष, माने बिना विशेष के अन्योन्या भाव का सृजन नहीं हो सकता, उत्पत्ति नहीं हो सकती अन्योन्या भाव की। अब प्रश्न आया कि दृष्टा में अगर एक बार आपने निर्विशेषता स्वीकार कर ली, हाँ, तो फिर अनेकता को स्वीकार करवाने वाली चीज क्या है? निर्विशेषता को स्वीकार कराने वाली कोई चीज बची नहीं, तो अनेकता बनी नहीं, तो फिर एकता मानो फिर ऐसे है। क्या बोलते हैं, लक्षण भेद अभावात, ये भाष्यकार का कहना है, लक्षण भेद अभावात, ये एकत्व तो कैसा है? क्योंकि लक्षण के भेद का वहां पर अभाव है। आप कहते हो दो दृष्टा हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों में कोई वैलक्षण्य होना चाहिए। अब वैलक्षण क्या है कि उस अंतःकरण से विशिष्ट दृष्टा अथवा उस अंतःकरण का दृष्टा और इस अंतःकरण का दृष्टा, तो दोनों अंतःकरण में विशेषता है। अच्छा, अंतःकरण में विशेषता है तो दृष्टा में विशेषता आई क्या? माने एक का धर्म दूसरे पर क्यों आरोपित करते हो? या तो कहीं हमने ऐसा मान लिया है कि
हर दृष्टा एक अंतःकरण के साथ क्या संलग्न हो चुका है, तो उसकी निर्लिप्तता को फिर आपने नहीं माना। या तो ऐसा आप कहो कि दृष्टा अंतःकरण विशिष्ट होता है और चूंकि सबके विशेषण, विशेषण का यहाँ क्या हुआ, अंतःकरण, अंतःकरण ही विशेषण हो गया, तो चूंकि सबके अंतःकरण भिन्न हैं अर्थात विशेषण भिन्न हैं और तो दृष्टा क्या बनेगा। अंतःकरण अगर विशेषण है दृष्टा का तो अंत दृष्टा विशेष से बना बना। तो या तो आपने विशेष विशेष्य संबंध मान रखा है, विशेष विशेष्य संबंध यह आविद्यक है कि वास्तविक है। अगर वास्तविक है तो दृष्टा कभी शुद्ध नहीं हो सकता, कभी निर्लिप्त नहीं हो सकता, तो मुक्ति की बात तो भूल जाइए। फिर तो वो नित्य रूप से अंतःकरण अभिमानी ही रहेगा और तब हमारे पास क्या ऑप्शन है, केवल यही है कि हमारे सामने अच्छी परिस्थिति और भोग उत्पन्न हो, उसके लिए हमको अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आप मीमांसक दर्शन में आ गए, बस मीमांसक दर्शन ने दृष्टा को कभी शुद्ध नहीं माना। ये एक स्लिप तो दूसरे दर्शन में प्रवेश, बस। तो अगर आप एक तरफ ये कहते हो कि वह अंतःकरण का अभिमानी नहीं है बल्कि अंतःकरण का दृष्टा है, एक तरफ अगर आप ऐसा बोलते हो तो अंतःकरण को उसका विशेषण कैसे बना दिया आपने। अगर अंतःकरण उसका विशेषण नहीं है तो भेद का उपपादक कौन बना, लक्षण भेद अभावात। ये विवेक चूड़ामणि में भगवान बोलते हैं निर्विशेषे भिदा कुतः, निर्विशेष में भेद करने वाला कहाँ से आया, कौन है। मेरी ये नहीं समझ में आता कि आप भेद किस आधार पर मानते हो, ऐसा योग दार्शनिकों से पूछा, सांख्य दार्शनिकों से पूछा, दृष्टांत दिया, व्योमनः इव, ये इसी बात के लिए दृष्टांत है, व्योमनः इव घटगिरी गुहादिशु, घटगिरी गुहा में आकाश अवच्छिन्न होता है, घटाकाश कहलाता है, मठाकाश कहलाता है, गुहाकाश कहलाता है, आकाश के बहुत सारे नाम हो जाते हैं और वो उन उन उपाधियों से संपृक्त सा लगता है, लेकिन तो लक्षण भेद अभावात, तो इस आकाश से दूसरे आकाश में कोई अन्योन्याभाव सिद्ध होता नहीं। ये आप कहो कि जैसे देह देश विशिष्ट हो जाता है, है ना, इस देश से विशिष्ट यह देह और उस देश से विशिष्ट वह देह, उसी तरह से शायद आकाश भी घट देश घट विशिष्ट हो जाए। अरे घट में आकाश नहीं रहता महाप्रभु, देह तो आकाश में रहता है वो ठीक है, लेकिन आकाश घट में नहीं रहता बल्कि घट ही आकाश में है। इसलिए घट देश विशिष्ट देश ये नहीं बोल सकते, घट देश विशिष्ट देश ये उच्चारण कैसे करो।
सर्वांतर होने के कारण वह पकड़ में है। क्या कहा है उन्होंने, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं हाँ, क्या क्या बोल रहे, समझ में नहीं। क्यों आवाज आ रही है? हाँ फिर से सुनो पूरा। अब ये आप आशा मत करना उनसे कि रिपीट होगा, ये तो भूल जाओ। उसके बाद इस पे प्रति प्रश्न एक चीज, अगर जरा सा स्लिप हुए तो दूसरे दर्शन में प्रवेश कर गए। अंतःकरण और अंतःकरण का दृष्टा में यदि विशेष्य और विशेषण संबंध आ गया तो अंतःकरण का जो दृष्टा निर्भर करता है वो अंतःकरण पे निर्भर करता है। इसका मतलब साधना यह बनी कि अंतःकरण को स्पष्ट अच्छा रखा, और ये साधना वेदांत की नहीं है। ये साधना किस दर्शन में आ गई, देखो ये मीमांसा में प्रवेश कर गया। आपको पता ही नहीं लगा कि आप दूसरे बॉर्डर में, तो ये सावधानी। फिर से सुनो, समय क्या जाता है, फिर से सुनाता हूं आपको। हम तो इसलिए कह रहे नित्यत्व से सुनो। पंच सर्वभूतेषु सिद्धम दृष्टा है, अपरोक्ष है, बिल्कुल अपरोक्ष है, रिकॉर्ड के कारण नित्य प्रकाश रूप है, नित्य उपाधि स्वरूप है, लेकिन उनका आना जाना, उनका भाव अभाव भी जिसकी उपस्थिति में ही प्रकाशित होता है। किसी एक लक्षण पर आपको बोलना है, ऐसा याद रख लीजिएगा। किसी एक लक्षण में से किसी को भी बोलने को कहा जा सकता है। वह लक्षण क्या हो सकते हैं? सर्व प्रत्ययदर्शी, चित शक्ति, उपाय अपाय वर्जित, मिल गया, नित्यत्वम, विशुद्धम, क्या है, क्या इसके आगे, आत्मत्वम, निर्विशेषत्वम, सर्वभूतेषु एकत्व। इतने लक्षण हैं, ये सब एक दूसरे से क्या हैं? तो अब आप इस दृष्टि से इसको दिमाग में नोट्स बनाइए कि इसमें से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, जिसपे आपको 5 मिनट क्या करना है, बोलना है, सिर्फ इस पे ही, फालतू बात नहीं करनी इधर उधर। एक लक्षण से दूसरे लक्षण को कैसे, क्योंकि अगर एक सही बोलेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो गया, प्रवेश कर ही जाएंगे, और गलत बोला तो आगे वाला आप बना नहीं सकते। इसलिए फिर से ध्यान से सुनिए। अभी पूछता हूँ किसी से, आखिरी में एक बोलूंगा से। वह दृष्टा नित्य उपलब्धि स्वरूप, नित्य अपरोक्ष, ऐसा तो उपलब्ध है, लेकिन फिर इस में किसी प्रकार का क्षय नहीं है, किसी प्रकार की वृद्धि नहीं है, अर्थात जन्म नहीं है, अर्थात मरण नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं है, यह स्वीकार नहीं है। इस बात को आपने दृग्दृश्य विवेक में विस्तार से समझा था, एक बार फिर स्मरण कर लें। जो भी परिणाम है, जो भी विकार है, ध्यान से देखें, वो केवल दृश्य है,
विकार मालूम पड़ता है, दृश्य धर्म है, वो स्वयं दृश्य है। तो यह जो दृश्य धर्म है विकार, वो अपने ही दृष्टा का धर्म नहीं होता। वृद्धि दृश्य है, वृद्धि का भी एक प्रत्यय होता है, और उस प्रत्यय का जो दर्शी है उसमें वो वृद्धि नहीं है। तो सर्व प्रत्यय दर्शित्वे सति, अब ये सर्व शब्द बहुत महत्व का है, सारे ही प्रत्ययों का दर्शी होने के कारण तो सारे प्रत्यय में वृद्धि प्रत्यय भी शामिल है, परिणाम प्रत्यय भी शामिल है। सो ऐसी दशा में जो भी विकार हैं, जन्म मरण आदि के भाव हैं, ये सब के सब दृश्य क्षेत्र में जाते हैं, तो दृष्टा को संस्पर्श भी नहीं कर सकते। सो दृष्टा की स्थिति कैसी बनी, उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता, ये कैसी उसकी दृक् स्वरूपता है जिसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं है, किसी प्रकार का क्षय नहीं है, परिणमन नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे ही दृश्य क्षेत्र में आने वाले धर्म हैं। और इसी रीति से विचार करने पर बुद्धि को ये निर्णय प्राप्त होगा, ये प्रमा प्राप्त होगी कि यही दृष्टा फिर नित्य है, क्योंकि जो प्राग भाव है वो भी दृश्य है, जो प्रध्वंसा भाव है वो भी दृश्य है, जिसका ये दृश्य है उसी में प्राग भाव को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर उसका प्राग भाव हो जाएगा तो उसका दृष्टा कौन होगा? दृष्टा का प्राग भाव होने पर दृष्टा के प्राग भाव का दृष्टा कौन बनेगा? दृक् दृश्य विवेक में ये बातें आई थी, उनको स्मरण कर लें। दृष्टा का यदि प्रध्वंसा भाव होता है, ऐसा कोई माने, तो उस प्रध्वंसा भाव का साक्षी कौन होगा? बिना साक्षी के सिद्धि कैसे होगी? सिद्धि बिना साक्षी के, बिना दृष्टा के किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। ये तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव ही सिद्ध नहीं होते, इसलिए जन्म मरण सिद्ध नहीं है, और इसलिए चेतन आत्मा में मरण का कोई प्रश्न नहीं। नित्यत्वम, ध्यान रखना, नित्यता जो है ये अब मेरे ख्याल से अब हमें बोलना ही चाहिए। नित्यता वेदांत में काल बाह्यता, कालातीत होने का याद रखिएगा, निर्वचन करती है। तीनों काल में जो है वो नित्यता का अभिप्राय वेदांत में ये मुख्य रूप से ये नहीं होता कि एक वस्तु काल के आदि से लेकर के तो अंत तक बनी हुई है। ध्यान रखना, काल का पूर्व आदि और काल का भविष्य ये कभी भी किसी का भी तो दृश्य नहीं बनता, ये तो कल्पना है।
काल पहले 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 था, था माने अभी तो आप नहीं देख सकते उसको, क्योंकि वो तो अवेलेबल नहीं है। और काल आगे 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 भी रहेगा, ये क्या है? ये भी एक कल्पना है। अब उस कल्पना का चाहे आधार हो चाहे ना हो, लेकिन है वो कल्पना ही। आधार क्या है कि कल भी काल था, परसों भी काल था, 10 वर्ष पहले भी काल था, ऐसे आप जोड़ते चले जाते हो तो पहले भी पहले भी पहले भी रहा होगा। कोई भी क्रिया काल में ही होती है तो बस काल रहा होगा, और आगे भी चूंकि अब तक काल चला रहा है, काल में ही सब चीज़ें मर जाती हैं, काल स्वयं तो मरता नहीं, तो आगे भी ये रहेगा। अच्छा, अब नित्य का साधारण अर्थ क्या है कि इसी काल में जो आदि से अनादि से अनंत तक फैला हुआ जो काल है, उसमें एक चीज है जो तो परिवर्तित नहीं हो रही है, मर नहीं रही है, बस। तो कालव्यापी जो है उसको नित्य बोल देते हैं। कालव्यापी का कभी अप्रोक्ष हो सकता है? जब पूरे काल का ही अप्रोक्ष नहीं होता, पकड़ में आता है? काल हमेशा जो प्रत्यक्ष में जो मान्यता बनती है वही दृश्य बनती है। तो काल का ही अगर अप्रोक्ष नहीं है तो कालव्यापी का क्या अप्रोक्ष है? काल का और देश का जितना विस्तार हम मानते हैं, उस माने हुए विस्तार का कोई साक्षी बना हो, ऐसा नहीं होता। कोई कहे कि देश बहुत विस्तृत है, अनंत है, ठीक है, वो क्यों बोलते हो ऐसा, देखा है तुमने ऐसा? आदमी के देखने की सामर्थ्य कितनी है? तो वो अनुमान करेगा, प्रकाश वर्ष बना लिया उसने देश को नापने के लिए, एक प्रकाश वर्ष बनाया कि सूर्य की किरण की गति ये है, फिर इस गति से जब वो चलेगी कितना, एक साल, सोचो जरा, दिमाग तो फटता है, शब्द ही रह जाते हैं हमारे पास। एक साल वो पर सेकंड कितना है, तीन, करीब करीब इतना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 3,86,000 समथिंग है, हाँ माइल्स, ऐसे ही सुना मैंने, 3,86,000 माइल्स एक सेकंड में। अब बोलो 60 सेकंड बनाओ, फिर उसका घंटा बनाओ, फिर दिन बनाओ, फिर महीने, फिर वर्ष। तो वो जो किरण है, अब ये मेजरमेंट है प्रकाश वर्ष, कि एक वर्ष में वो, इसलिए हम कोई काल को द्रव्य व्रव्य मानने वाले नहीं हैं, मना कर दिया। सो नित्यत्वम, अच्छा, फिर विशुद्ध स्वरूपत्वम, देखो दृष्टा का दृश्य में दृश्य से कभी लेप नहीं होता, तो निर्लिप्तता की पूर्ण सिद्धि तभी हो सकती है जब कोई
सर्व प्रत्यय दर्शी हो। निर्लिप्तता को ही विशुद्धि बोलते हैं। भाई कोई दूसरी चीज मिल जाए तब अशुद्धि आई। जब कोई चीज किसी से मिली नहीं सकती वो तो दृष्टा रहता है। सर्व प्रत्यय दर्शी माने विशुद्ध वृत्ति से भी उसका मेल नहीं है। ऐसा दृष्टा है कि अगर आप कोई कहे वो कि ये तो बिल्कुल विशुद्ध है तो अंतःकरण में उठने वाली इस वृत्ति को भी दृष्टा देखेगा। अंतःकरण में ये वृत्ति उठी कि दृष्टा अत्यंत विशुद्ध है, ये भी एक वृत्ति है और दृष्टा उसको भी देखेगा, बोले हाँ ठीक है। अलख निरंजन। इसलिए शास्त्रों में हमारे जोगी लोग गांव में घूमते थे सरंगी बजाते हुए पहले, है ना, सुबह सुबह टेर लगाते थे, अलख निरंजन। अलख माने लखा नहीं जाता जो दृष्टा है, दृश्य नहीं है, और इसीलिए अंजन रहित है, जिसमें किसी प्रकार का अंजन नहीं है, कालिमा नहीं है, लेप नहीं है। सो उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता नित्यत्वम विशुद्ध स्वरूपत्वम। और क्या बढ़िया बात कही, आत्मत्वम। आत्मा उसको कहते हैं जो, हम एक लक्षण तो पहले ही बोल चुके हैं भगवान भाष्यकार, आत्मा उसको कहते हैं जो जिसमें परायापन ना हो, निजता हो, है ना। मैं जो शब्द का उच्चारण होता है वो सर्वांतर वस्तु के लिए होता है। मैं उच्चारण बहिरंग वस्तु के लिए नहीं होता। मैं कभी इस विषय को ऐसे बोलता हूं कि जैसे ऑफिस में जो ऑफिसर है वो टेबल की एक साइड में बैठता है, कौन सी साइड होती है वो, भीतर वाली, है ना, और जो बाहरी लोग आते हैं वो किधर बैठते हैं, बाहर। अफसर हमेशा इधर होता है, अंतरंग की ओर होता है, बना। तो हमारे भीतर जो टेबल लगी है ना उसमें जो मैं है वो हमेशा अंतरंग की ओर रहता है, उसके अलावा जो भी आता है वो सब बहिरंग है। पकड़ में आया? शुद्धि अशुद्धि भी बहिरंग में आई। तो सर्व प्रत्यय जो दर्शी है, दृष्टा, वो हमेशा ही अंतरंग है, कभी भी वह बहिरंग नहीं हो सकता। अंतरंग होने के कारण वो मैं शब्द का अर्थ है। सर्वांतर होने के कारण वह है मैं शब्द का असली अर्थ है, क्योंकि मैं शब्द कभी भी बाहरी के लिए है नहीं बोला जा सकता। मेरा अनुभव ही नहीं है, आप देख लो अपना अनुभव। सर्वांतर वस्तु के लिए ही मैं शब्द का उच्चारण होता है, बस। अभी दुनिया के संदर्भ में ये रहा मैं, लेकिन फिर अगर यहां से शुरू करें विश्लेषण तो
बुद्धि में जो मैं है वो शरीर की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि बुद्धि अंतरंग है और देह बहिरंग है। देखो ऐसे निर्णय होने लग जाता है, यहाँ तक कि मन बहिरंग है बुद्धि अंतरंग है, क्योंकि मन में तो संकल्प विकल्प होते हैं, बुद्धि में निश्चय हो गया और वह निश्चय फिर मेरा हो गया, मैं के साथ सट गया, मिल गया। सर्वांतरत्वात् आत्मा, तो भाष्यकार कहते हैं अगर कोई सर्व प्रत्ययदर्शी नहीं होगा तो उसमें आत्मत्व की कभी सिद्धि नहीं होगी। अब जरा सोचो कि अगर ब्रह्म सर्व प्रत्ययदर्शी नहीं हुआ तो वह शायद महिमा संपन्न है कोई महामहेश्वर हो सकता है, लेकिन वो आत्मा नहीं हो सकता। बहिरंगत्वात् देखो कैसे बोलते हैं, सो सर्व प्रत्यय दर्शित्वे सति आत्मत्वम नित्यत्वम, ये सारे लक्षण तभी घट रहे हैं जब वह पहले सर्व प्रत्यय का दर्शी हो गए। अच्छा, निर्विशेषता, नियम वही है, विशेष जितना है वो सब दृश्य है, विशेष पहचाना ही तभी जाएगा जब वो दृश्य बनेगा। तो जो दृश्य है फिर वही बात दृष्टा में कैसे घटेगी, तो दृष्टा का स्वरूप कैसा बना, बोले निर्विशेष, कभी भी उसमें विशेष की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि विशेष रहेगा दृश्य और जो उसका दृष्टा होगा वो हमेशा ही निर्विशेष रहेगा। अब जिन लोगों ने ब्रह्म को नित्य सविशेष स्वीकार किया होगा, जरा उनकी बात सोचो आप कि उन्होंने विशेष को कैसे स्वीकार किया होगा, उनका विशेष दृश्य है या दृश्य नहीं है। तो विशेष तो सदा सर्वदा ही दृश्य होगा, और जब दृश्य होगा तो वो दृष्टा का धर्म कैसे होगा, वो तो दृष्टा का दृश्य होगा, दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता। बोले हमारा ब्रह्म कोई दृष्टा थोड़ो है। अच्छा, अगर हमारा ब्रह्म दृष्टा नहीं है तो वो अचेतन हुआ फिर भाई, अगर हमारा ब्रह्म दृष्टा नहीं हुआ तो अब बचा क्या, दृष्टा नहीं है तो फिर क्या बचा, दृश्य। आप जरा सोचो तो सही कि बोलने के पहले क्या बोलना चाहिए, जब आप दृष्टा भाव का निषेध करते हो, दृग्रूपता का निषेध करोगे, कोई भी करे, तो फिर उसको आप दृश्य क्षेत्र में स्वीकार कर रहे हो। दृश्य क्षेत्र में स्वीकार करने पर तो उसमें जड़ता माननी पड़ेगी, और फिर परिच्छिन्नता माननी पड़ेगी, यदृश्यम तद अल्पम, अभी आपने पढ़ा। और कोई कहे कि नहीं वो दृष्टा है, चेतन है, और फिर उसमें विशेष है, ये विशेष कैसे सिद्ध करते हो, सर्व प्रत्यय दर्शित्वे निर्विशेषता सिद्धं भवेत, सीधी बात, अगर वो सर्व प्रत्यय का दर्शी है तो निर्विशेषता तो उसमें फिर सिद्ध ही है, किसी भी प्रकार के विशेष का उसमें
धर्म जोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, चूंकि निर्विशेष है, अब इसलिए वो सभी द्रव्यों में अलग अलग है। ये अलग करने का जो कारक है उसका नाम होता है विशेष। एक आदमी दूसरे से अलग है क्योंकि दोनों के अपने विशेषण हैं। चाहे वो रूप का विशेषण अलग हो, स्वभाव का विशेषण अलग हो, बुद्धि का विशेषण अलग हो, बिना विशेष के भेद का संपादन नहीं हो सकता। ये देखो भाष्यकार की कैसी पंक्ति है कि एक तरफ वो एक चीज सिद्ध करते हैं और उसी से फिर अगले निर्णय पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले क्या सिद्ध किया? सर्व प्रत्ययदर्शी। सर्व प्रत्ययदर्शी चिच्छक्ति स्वरूप मात्रः, ये बात सिद्ध हुई। फिर देखो एक पर एक सिद्ध होता चला गया। अब निर्विशेषता सिद्ध होते ही अगली बात क्या कही? एकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। समस्त भूतों में उसको अलग करने वाली कोई चीज दिखाई नहीं देती। इसलिए समस्त भूतों में वो एक ही। इस आकाश में आश्रम है, इस आकाश में पानी है ना, इस आकाश में घर है, तो इस आकाश में गार्डन है, तो कितने आकाश हो गए? तो अभी आखिरी जो पंक्ति बोली वो क्या बोली? व्यवहार का उपपादक आकाश नहीं है, व्यवहार का उपपादक आकार है। हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो आकाश से नहीं कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं? आकार से। क्योंकि इसी आकाश का जब आकार बन गया तो हमने आश्रम बोल दिया, और उसी आकाश का आकार क्या बन गया? गार्डन बन गया। तो हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो आकाश से नहीं कर रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? लेकिन जब व्यक्ति नहीं देखता तो क्या कह देता है? ये अलग है और ये, मतलब ये आश्रम का आकाश अलग है और वो आकाश अलग। आया? अभी ज्यादा हो गया, अभी रहने दीजिए। कल आपको 5 मिनट पीछे से सुना। आज तो छोटा अध्याय ना, 12वां अध्याय। 12वां अध्याय तो छोटा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः।